All right, we'll go back to Girish Kuber in just a bit. Arvind Kejriwal, Delhi's chief minister, is holding a press conference right now. Let's listen in live. It's on the anti-corruption helpline. Which could translate into sting operations. उस 53 में से 15 लोगों ने स्टिंग करने से मना कर दिया फॉर वट एवर रीजन्स. हाँ, इन लोगों को जो मतलब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एडवाइजर्स इनको जो कर रहे थे, तो उनसे बातचीत के बाद 53 केसेस ऐसे लगे जो कि सीरियस केसेस हैं. उसमें से 15 लोगों ने करने से मना कर दिया, 48 लोग तैयार हैं स्टिंग करने के लिए. 38 लोग तैयार हैं स्टिंग करने के लिए. मुझे अभी नंबर देना ठीक नहीं है. कुछ स्टिंग हो गए हैं और कुछ टीम्स ऑलरेडी पहुंची हुई हैं. और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टिंग किए उन्होंने. मतलब इट्स वेरी क्लियर. सो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मेरे को एंटी करप्शन वालों का फीडबैक आया है कि सर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की स्टिंग है. तो कैमरा नहीं, ऑडियो. बिकॉज कैमरा तो उसके सामने कैसे करोगे, वो मोस्टली ऑडियो क्वालिटी है. सर कुछ पे ऑलरेडी ऑन है, तो मैं अभी कल ही बता पाऊंगा कि नहीं. अभी मैं कुछ नहीं, बिकॉज इट विल कॉम्प्रोमाइज द ऑपरेशन. सर ये अभी छोड़ दीजिए, मना कर दिए, उसको किस प्रकार से आप लोग करेंगे, क्योंकि उन लोग भी तो करप्शन से पीड़ित हैं. नहीं, वो करप्शन तो दो चीजें हैं. उन्होंने स्टिंग करने से, अब मैं पब्लिक ग्रीवांस वाले पे आ रहा हूँ कि उनकी ग्रीवांसेस कैसे सॉल्व की जाएंगी, उस पर आ जाते हैं. तो पहली चीज तो ये, तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत बढ़िया एंटी करप्शन पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया स्टिंग जर्नलिस्ट्स हैं और बहुत अच्छा काम किया है. और अगर दिल्ली की जनता इकट्ठी हो जाए तो मुझे यकीन है कि एक ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा दिल्ली के. मैं फिर से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स कर्मचारी अच्छे हैं. उनको मौका नहीं मिला था अच्छा काम करने का, और वो अच्छा काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं. कुछ हैं जो गंदी मछलियां हैं, इनको हम सब लोगों को मिलके हटाना पड़ेगा. इन कुछ चंद गंदी मछलियों को जेल भेजना पड़ेगा. तो मैं उन चंद गंदी मछलियों से आज कहना चाहता हूं कि भैया अब तुम्हारे दिल लद गए, या तो सुधर जाओ या फिर ये जनता ही सुधारेगी अब आपको. अब केवल पुलिस वगैरह से, सरकारी मशीनरी से काम नहीं चल रहा था, अब दिल्ली का हर आदमी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया. हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, और कोई भी दिल्ली का आदमी अब आपको जेल भेज सकता है अगर आप नहीं सुधरे तो. तो ये तो, और जो 4-डिजिट नंबर था वो कल तक आ जाएगा, और कल शाम को या परसों आपको 4-डिजिट नंबर, बहुत ईजी नंबर एक ले रहे हैं, वो आपको बता देंगे. दूसरी बड़ी समस्या जो भाई साहब ने अभी कहा वो है पब्लिक ग्रीवेंसेस. पब्लिक ग्रीवेंसेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है किसी भी सरकार के अंदर. सबसे पहले तो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए. लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हैं वो सिम्टम है. पब्लिक ग्रीवेंसेस तो सिम्टम है, डिजीज कहीं और है. कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई गलत पॉलिसी बना रखी है जिसकी वजह से जनता दुखी होती है, और फिर वो पब्लिक ग्रीवेंसेस में रिजल्ट होती हैं. लेकिन जब तक हम सारा सिस्टम नहीं सुधारेंगे, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी ग्रीवेंस सॉल्व नहीं करेंगे. तो जब तक सिस्टम सुधर रहा है तो ग्रीवेंसेस तो सॉल्व करनी है. तो इसका भी एक सिस्टम हम लोग ने बनाया है. परसों से एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे, और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर, एक्सेस बैरियर ना हो. कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके. सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग. तो जनता का स्वागत है सुबह 9:30 से 11 बजे तक, और डेली फिर उसके बाद हर सैटरडे को तो सभी मंत्री बैठेंगे, लेकिन उसके बाद डेली बेसिस पे एक मंत्री सामने बैठा करेगा जो केवल अपना विभाग नहीं, सभी विभागों की समस्याएं लिया करेगा और आगे फॉरवर्ड की जाएंगी. टाइमिंग सेम रहेगा टाइमिंग सेम रहेगा जी.
टाइमिंग सेम रहेगा और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केवल शनिवार को बैठेंगे और जो ग्रीवांसेस आएंगी उनको जो अर्जेंट कैटेगरी की ग्रीवांस होंगी, मान लीजिए कोई बहुत बीमार आदमी है उसको तुरंत एडमिशन कराना है या कोई ऐसे केसेस को ऑन द स्पॉट वहीं पे फोन करके सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी ग्रीवांसेस हैं उनको कैटेगरीज में बांटा जाएगा। जो जो कैटेगरीज हैं वो तो एक तो कैटेगरी है कि ग्रीवांस जिसको सॉल्व करना है तो मंत्री वहां पे लिखेगा उसी के ऊपर कि कितने दिन में ये ग्रीवांस सॉल्व हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें आपको ग्रीवांस सॉल्व करने के लिए पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, वो तुरंत नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। ये सारी ग्रीवांसेस रेस्पेक्टिव मंत्रियों को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी फॉर देम टू कंसिडर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तीसरी कैटेगरी की वो ग्रीवांसेस हैं जो ग्रीवांसेस नहीं है, सुझाव हैं, उसको फिर एक अलग सेक्शन हम लोग बना रहे हैं जो सारे सुझावों के ऊपर जितने जनता में से सुझाव आएंगे उन सुझावों पे स्टडी करेंगे और रेगुलरली मुझे पुट अप करेंगे कि जो अच्छे सुझाव आ रहे हैं। चौथी कैटेगरी वो है जो कि मिसलेनियस कैटेगरी जो इनमें से किसी में, और पांचवी वो जो सरकार से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपस में फॉर इंस्टेंस एक महिला एक लड़की आई थी मेरे पास 3-4 दिन पहले कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी नहीं कर रहा, मेरी शादी करा दीजिए। उसमें मुख्यमंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो ग्रीवांसेस जो कि सरकार से रिलेटेड नहीं है वो उनको पांचवी कैटेगरी में रखा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। सो ये कैटेगरीज हैं और फिर ये इस एक जो इम्पोर्टेंट पब्लिक ग्रीवांस का जो हम लोग सोच रहे हैं कि कई बार अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत सारे पहले भी जब हम एक्टिविज्म में थे कि जितनी सरकारें ग्रीवांसेस का सिस्टम बनाती हैं फिर अधिकारियों से पूछती है भाई तेरे पास तुम्हारे पास 100 ग्रीवांस भेजी थी क्या हुआ, तो अधिकारी वापस कहता है जी 93.37% ग्रीवांस सॉल्व हो गई हैं बाकी बच गई हैं, और फिर कहा जाता है अब इतनी। पहली चीज तो वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट की जाती है वो बड़ी गड़बड़ होती है। ऑफिसर कह देता है जी ग्रीवांस सॉल्व हो गई, नागरिक से पूछो कहता है जी मैं तो वैसा का वैसा दुखी हूं, कोई ग्रीवांस सॉल्व नहीं हुई। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया कि जब ग्रीवांस सॉल्व हो जाएगी तो डिपार्टमेंट से एक SMS जाएगा उसके पास कि आपकी ग्रीवांस हमारे हिसाब से सॉल्व हो गई है, अगर आप अभी भी डिससेटिस्फाइड हैं तो इसके जवाब में नो लिख के भेजिए। तो जब वो नो लिख के भेजेगा ऐसे सब लोगों के लिए फिर एक अलग वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है जो उस नागरिक से पूछेगी भाई आप क्यों डिससेटिस्फाइड हैं। तो कई बार नागरिक की भी गड़बड़ होती है कि उसका सब कुछ कर दिया उसके बावजूद भी जी मेरे को पानी नहीं पिलाया गया था जब मैं गया था उनके घर में, चाय नहीं पिलाई थी उन्होंने, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिसर ने कोई ठीक से नहीं किया, तो वो ये इनसे पर्सनली बात करके दे विल ट्राई टू असेस कि कौन सी ग्रीवांसेस वाकई सॉल्व नहीं हुई हैं, उन ग्रीवांसेस पे फिर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आपने ये कैसे रिपोर्ट किया। तो ये पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम परसों से लागू किया जा रहा है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी गवर्नेंस की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अचानक एकदम से हजारों ग्रीवांसेज आ जाएंगी, और इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरली डिस्पाइट आर बेस्ट एफर्ट्स एंड इंटेंशंस अप टू द मार्क नहीं रहेगा। लेकिन एज वी मूव अलॉन्ग जैसे जैसे हम सिस्टमिक, बिकॉज जितनी ग्रीवांसेज आएंगी तो डिपार्टमेंट से बैठ के भी बात की जाएगी भाई इसी कैटेगरी की ग्रीवांसेज इतनी क्यों आ रही हैं, तो ये सिस्टम को ठीक करिए। एज वी मूव अलॉन्ग आई थिंक वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस, बट वी प्लान टू स्टार्ट विद ऑल ऑनेस्ट इंटेंशंस एंड ये परसों से। कल मैंने बात की थी जो अधिकारी काम भी नहीं कर रहा रिश्वत भी नहीं ले रहा है, आपने कहा था इसको ये पब्लिक ग्रीवांसेज में आ जाएगा ना सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड नहीं बना और राशन कार्ड वाला पैसे मांग नहीं रहा सीधा सीधा और राशन कार्ड भी नहीं बना रहा, तो वो अब हमारे पास पब्लिक ग्रीवांस में आएगा तो ऊपर से मंत्री लिखेगा इसका 2 दिन में राशन कार्ड बनाओ, तो उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद सिटीजन चार्टर जो लोकपाल जन लोकपाल में आना है वो अलग, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा आदेश निकाला जाएगा कि कितने विभाग में सर्टेन टाइम में ये काम हो। मेरे को बताया गया है कि पहले से टाइम लिमिट्स फिक्स्ड हैं, पिछली सरकार ने टाइम लिमिट्स फिक्स की थी, वो एक बार विभागों के साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे, अगर विभागों को लगता है भाई प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको प्रैक्टिकल डोमेन में लेके आएंगे, अगर जो जो प्रैक्टिकल है तो उसको लागू करें, लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं कि जी हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी शुरुआतें हैं. जैसा मैंने बताया था कि एंटी करप्शन वाला सिस्टम जो है वो हम रीजनेबली श्योर हैं कि जितने भी ट्रैप के केसेस आएंगे हम उतनी टीम्स भेज के उनको ट्रैप करवा लेंगे, उतने लोगों को गिरफ्तार. पब्लिक ग्रीवेंसेज में मैं पहले से बोल रहा हूँ कि इतनी ग्रीवेंसेज होने वाली हैं दैट सेटिस्फैक्शन रेट अगर कभी भी आपको 100% तो नहीं मिल सकता, बट अगर वो सर मैं 1.5 घंटे से शुरू कर रहा हूँ पर आप मान के चलिए कि वहाँ पे काफी लंबा बैठना पड़ेगा. उसमें सारा मैंने एलजी साहब से बात की है, इस बारे में मैंने एलजी साहब से बात कर ली है. जो 3 विभाग दिल्ली सरकार में नहीं आते, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस, एलजी साहब ने उन 3 विभागों को लिखा है कि उनकी उनको वो ग्रीवेंसेस सॉल्व करनी पड़ेंगे. उनके लोग होंगे आपके साथ है? उनके लोगों को होना पड़ेगा. पूरी चीज को जो ब्रॉडर टर्म है, आप जो जन लोकपाल की बात आप कर रहे हैं उसका जो आपने कहा था कि उसको हमने कर लिया, एक ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या क्या किस स्टेज पर है वो ड्राफ्ट और कब तक लोगों के सामने वो ड्राफ्ट लेकर आने वाले, क्योंकि उससे भी लोगों को बहुत उम्मीद. सर आज ही हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है ताकि इन जितने भी संबंधित विभाग हैं वो इसको जन लोकपाल बिल को एग्जामिन कर सकें. तो चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी हैं, उसके मेंबर्स हैं सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिस्टर राहुल मेहरा who is an eminent advocate, और एक they can also co-opt and they can co-opt other. तो जितने भी संबंधित विभाग हैं उनसे संबंधित आज कमेटी बनाई है जन लोकपाल बिल को लेके, which is supposed to finally draft the law and submit it by 15th of January. सर इसमें सर, एक और सवाल कि सर कोशिश करेंगे बाय लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक सर रामलीला मैदान में मिलेंगे. सर इसमें इसमें एक और बात कि दिल्ली पुलिस चूंकि आपके पास नहीं है और दूसरे राज्यों में देखें तो लोकायुक्त पुलिस भी होती है, तो इस तरह पावर भी लेने की बात हो रही है किसको लोकायुक्तों को कहीं पे भी जाए वो अगर भ्रष्टाचार का कोई नहीं. देखिए जो एंटी करप्शन ब्रांच आज दिल्ली सरकार के पास है, द्विवेदी साहब हैं जो कि ये कर रहे हैं, ये वाली सारी पूरी की पूरी ब्रांच फिर लोकायुक्त को शिफ्ट कर ट्रांसफर कर दी जाएगी. आज वो मेरे अंडर में आती है, कल को मान लीजिए मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो कौन जांच करेगा? मैं तो जांच करने नहीं दूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो इसीलिए लोकायुक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसके अंडर में वो बॉडी जाएगी, तो मैं भी मेरे भी उसके ऊपर नहीं चलेगी उसके बाद. नहीं सर, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो स्टिंग है ये सपोर्टिव एविडेंस है. प्राइमरी तो अभी ट्रैप करने गए हैं ना, कल भी ट्रैप करेंगे. ट्रैप इज द मेन थिंग, वो स्टिंग तो दो काम है उस स्टिंग के. एक तो जैसे मैंने आज आपको बताया कि 3900 फोन कॉल आए, इसमें बातचीत करने पे 53 सीरियस निकले, उसमें से कहा 38 लोगों ने कि हम स्टिंग करके लाएंगे. अब जब स्टिंग की कंडीशन रखी तब ये हम फिल्टर कर पाए, नहीं तो 3900 के 3900 कह देते जी चलो मेरे साथ. तो द सीरियसनेस इज बीइंग गेज्ड बाय दिस, और स्टिंग मुश्किल नहीं हो रहा है, ये लोग कर पा रहे हैं स्टिंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्फिडेंट कि स्टिंग कर लेंगे. तो डिपार्टमेंट मदद कर रहा है सर उनको, मतलब गाइड कर रहा है ना डिपार्टमेंट की ऐसे कर लो ऐसे कर लो. वंस द स्टिंग इज डन तब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जा रहे हैं, वो फिर वो नोट के ऊपर पाउडर वाउडर लगा के जो भी होता है वो ट्रैप करने का वो पूरी वो कर रहे हैं. तो ये आपका जो स्टिंग ऑपरेशन है दिस इज जस्ट मियरली अ सपोर्टिव एविडेंस, इस पे इसके ऊपर केस निर्भर नहीं करने वाला. Arvind, your thoughts and whatever data you're sharing with us is all the claims the government is making so far. Since morning, media has also been trying very hard to try and get to the call center, try to understand how exactly the mechanism is working to get in more transparency. Why exactly have we been barred from even reporting that? We got a very categorical statement saying reporting what? From even trying to get to the call center. Call center, nahi, because I'll tell you why. Aap call center pe agar pahunch gaye to there are 2-3 reasons. One is their own security, agar call center ke bare, and second is that we just don't want the call center to be accessible to any officer. Ye officers jaake wahin pe manipulation shuru kar denge.
we don't want the call center to be accessible to any of the corrupt officers. Ki bhai meri complaint aaye to tu ek kaam karna, usko rafa dafa kar dena. It is so easy to do that. So hum isko call center ko bilkul out of wo karna chahte hain. To maintain the integrity of the process. Arvind ji, pani ko lekar sawal bhi shuru ho gaye hain. आउटर दिल्ली में पानी का क्राइसिस अभी बना हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ सर, मैं कल या परसों में आपको बता दूंगा. मैंने बताया था आपको, अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली दो भागों में बटी हुई है. एक वो है जहाँ पे पाइप से पानी जाता है, एक वो है जहाँ पे पाइपलाइन है ही नहीं. तो जहाँ पे पाइपलाइन है ही नहीं वहां तो वाटर टैंकर से ही पानी मिलेगा. अभी वाटर टैंकर का बहुत बड़ा धंधा चल रहा था और मैं जल बोर्ड के जो नए सीईओ हैं उनको बधाई देना चाहूंगा. उन्होंने पिछले 3-4 दिन में काफी अच्छा काम किया है. एक तो संगम विहार में जितने ट्यूबवेल थे, ये सारे के सारे ट्यूबवेल के ऊपर पॉलिटिकल माफिया ने कब्जा कर रखा था. तो एसडीएम और पुलिस को लेके इन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफी ट्यूबवेल को कब्जे से छुड़वाया है और वो उसको लेके लोकल आरडब्ल्यू या लोकल लोगों को हैंडओवर कर दिया गया. अब लोकल लोग चला रहे हैं वहां पे एंड दे आर वेरी हैप्पी. तो जहां पे पानी नहीं पहुंचता वहां टैंकर माफिया ऑपरेट करता था. और जल बोर्ड के भी जो टैंकर थे, यहां से आप जल बोर्ड का टैंकर भेजते थे और वो फ्री में होना चाहिए, वहां पे बिक जाता था पूरा टैंकर. वो भी कल्यूजन था. जल बोर्ड के टैंकर का जो ड्राइवर था वो पिछले 10-10 साल से पोस्टेड है वहीं पे. तो ये जो 798 ट्रांसफर ऑर्डर्स किए गए, ये टैंकर के ऑपरेटर्स के ही किए गए हैं, सारे ड्राइवर्स के किए गए हैं, ताकि इसको रिशफल करके उधर उसको उधर, तो ताकि ये ब्रेक किया जा सके. अब एक मिनट सर. तो अब ये पूरा मैपिंग की जा रही है दिल्ली की और शायद अभी मेरे पास उनका एसएमएस आया था कि कल या परसों तक ये वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे. आज भी डाल दिया उन्होंने, कई कुछ एरियाज रह गए हैं कि आपके एरिया में इस पॉइंट पे रोज इतने बजे टैंकर आया करेगा. अब आपको पता है कि मेरे एरिया में इतने बजे टैंकर आएगा और टैंकर के ड्राइवर का नंबर वेबसाइट पे डाल देंगे. टैंकर ना आए तो उसको तंग करो आप, और अगर फिर भी नहीं पहुंचे तो हमें बता दो, टैंकर के ड्राइवर को सस्पेंड कर देंगे हम. तो इतनी ये ट्रांसपेरेंसी कम से कम टैंकर के ऑपरेशंस में वो ला रहे हैं. और आज काफी एरियाज के टैंकर का उन्होंने डाल दिया और कल परसों तक पूरे दिल्ली नंबर एक सुने, जहां पे पाइपलाइन है वहां भी तंगी है कई बार पानी की. वहां पे उसके लिए 10-15% टैंकर्स को उसमें रखा जाएगा कि ऐसे एरिया से अगर फोन आता है तो इमरजेंसी में टैंकर को भेजा जा सके. लोड शेडिंग के बारे में आपको पूछा था, बिजली की लोड शेडिंग के बारे में 2 दिन पहले पूछा था. लोड शेडिंग शुरू, लवली ने आपको चिट्ठी लिखी सेम. आज लवली जी को मैंने जवाब भेजा है, उस जवाब की फोटोकॉपी हम अभी आपको बटवा देंगे. सर एक मिनट, वो उनका जवाब दे देते हैं. ये भी कहा था कि जांच करेंगे लोड शेडिंग सर्दियों में क्यों चल रही है, कोई गड़बड़ी जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं लोग? आज सुबह कल रात को मैंने कहा था, सर एक मिनट, पावर डिपार्टमेंट को बोला था कि पिछले एक हफ्ते में स्पेशली और उसके पहले के 1.5 महीने का डेटा निकलवाया जाए जिसमें शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की डिटेल्स मंगवाए जाएं कि किस एरिया में शेड्यूल्ड पावर कट्स हुए और किस एरिया में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हुए और जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हुए वो क्यों हुए. तो सुबह जब मैंने 10 बजे मीटिंग ली तब तक केवल एनडीपीएल का आया था, बाकी दोनों कंपनीज का आना बाकी था. उनको पावर डिपार्टमेंट को भी मैंने बोला है कि इसको भी हम कल या परसों तक वेबसाइट पे डाल देंगे कि कंपनीज के हिसाब से आने वाले एक हफ्ते में शेड्यूल्ड पावर कट्स कहां कहां होने वाले हैं और एक फोन नंबर देंगे कि अगर इस शेड्यूल के अलावा अगर आपके एरिया में पावर कट होता है तो आप इस नंबर पे हमें एसएमएस करो कि मेरे एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक अनशेड्यूल्ड पावर कट हुआ था. तब हम उस कंपनी से पूछेंगे ये अनशेड्यूल्ड पावर कट क्यों हुआ था, इन पे पेनल्टी लगाएंगे फिर, क्योंकि इन कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया गया है और ये कंपनियां ऑडिट करवाना नहीं चाहती. तो कई लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता सच है कि ये बदमाशी करेंगे. तो सुनो, तो इसीलिए स्पेसिफिकली ताकि डेटा सिर्फ हमारे पास कागज पे होना चाहिए कि किस एरिया में इतने बजे से इतने बजे तक इन्होंने क्यों लोड शेडिंग की, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो जनता के सामने भी ये डेटा आना चाहिए, डीआरसी को भी डेटा भेजेंगे और इन कंपनियों की एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी और इनपे देखते हैं कि कानून के अंदर क्या इनके खिलाफ एक्शन किया है. एक मिनट, और राजेंद्र जी बैठे हुए यहाँ पर, एक इनका ऑलरेडी नोटिफिकेशन था कि अगर बिजली कंपनियां पावर कहीं भी कट करती हैं तो उनको पे करना होगा कंज्यूमर को उस इलाके का. ऑलरेडी करवाएंगे सर. अच्छा वो आपने बता दिया सर, ये निकलवाइएगा कल, ऑर्डर मेरे को दीजिएगा. इतर आते हैं कल.
नहीं नहीं बहुत अच्छा किया वहाँ पे हर कंज्यूमर को देने होते हैं बस बढ़िया मैं कराऊंगा नहीं देखो शेड्यूल्ड पावर कट्स कई बार किसी वजह के अलग अलग किस्म से हो सकते हैं अगर वो कारण जो है वो लेजिटिमेट है आप ही के सामने सामने रखेंगे ना आप लोग कहोगे लेजिटिमेट है तो लेजिटिमेट मानेंगे नहीं लेजिटिमेट है तो जनता देखिए ट्रांसपेरेंसी से बड़ी चीज कोई नहीं होती है नंबर ऑफ पीपल पर पर्सन देयर आर टू चैनल्स एक कॉल वेटिंग भी आता रहता है जनता थानेदार तो बन गई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना क्या चेक चाहिए जिस तरीके से आपने बताया 3900 लोगों ने आज आपको कॉल किया उसमें से ये भी हो सकता है कि कई लोग ईमानदार लोगों के लिए भी इस तरीके की बात कर रहे हैं वो तो जैसा मैंने कहा ना इसीलिए वो स्टिंग रखा है कोई आके बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ कुछ भी शिकायत कर देता तो हमने कहा स्टिंग करके लाओ अब अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है उसको तो आप स्टिंग कर नहीं सकते वो तो पैसे मांग नहीं रहा तो जब पैसे नहीं मांग रहा तो आप स्टिंग कैसे करोगे तो ये स्टिंग जो पहला वो है बैरियर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एक सवाल सीईओ ऑफ IBM 7 आशुतोष टुडे क्विट हिज जॉब टू जॉइन योर पार्टी हिज क्रिटिक्स आर टुडे सेइंग दैट ही एज द चैनल ही रिप्रेजेंट्स शुड नाउ अपोलोजाइज फॉर द फैक्ट दैट सो फार His coverage of the Anna movement, of the India Against Corruption movement, and also against your party, has been very pro. What do you want to say about that? Who's saying that? A lot of critics today are saying. मैंने देखा पवन खेरा का ट्वीट था. Not just Pavan. Let him say that. Thank you so much.